कोरोना से हो रही जंग में अब हर कोई अपने अपने तरीके से सहयोग दे रहा है। इस जंग में ऑक्सीजन की कमी प्रमुखता से होने लगी थी, जिसे विधायक समीर कुनावार के प्रयास से पूरा किया जा सका है। बाधितों की लगातार बढ़ती संख्या की वजह से उपजिला रुग्णालय में बेड की कमी के साथ अन्य सुविधा भी कम पड़ रही थी। इस पार्श्वभूमि में जिलाधिकारी के साथ विशेषज्ञों की सभा ली गई, जिसमें कोरोना के बढ़ते प्रभाव पर कारगर इलाज के लिए सोच विचार किया गया। सभा में जिले के सभी विधायक और सांसद की भी मौजूदगी थी। इस सभा में विधायक समीर कुनावार ने हर दिन सैकड़ों पार करने वाले बाधितों की संख्या देखते हुए शहर में और कोविड सेंटर को शुरू करने की मांग की, जिसे उसी वक्त मंजूरी मिली। कोविड सेंटर को शुरू करने के लिए कुछ निजी अस्पतालों ने तैयारी दर्शाई। इस पर डॉक्टर मरोठी इनके अरिहंत क्रिटिकल सेंटर को 10 बेड के साथ मंजूरी दी गई। सेंटर तो शुरू किया गया, पर उसमें साधनों का अभाव होने से मरीजों का कारगर इलाज नहीं हो पा रहा था, जिसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की कमी महसूस की जा रही थी। इसको देखते हुए विधायक ने अपने स्तर पर प्रयास करके ऑक्सीजन उपलब्ध कराया। इस उपक्रम में शहर के उद्योगपतियों ने भी अपना योगदान दिया है। गिमाटेक्स इंडस्ट्रीज, पीवी टेक्सटाइल्स जाम, सगुना फूड्स, दुलानी मेडिकल, वरुण राठी इत्यादियों ने भी भरपूर योगदान दिया। इस कोविड सेंटर में किए जा रहे इलाज की औचक जांच की गई। इस वक्त विधायक समीर कुनावार के साथ अरिहंत क्रिटिकल सेंटर संचालक डॉक्टर राहुल मरोठी, डॉक्टर मधुसूदन गोयनका, भूतपूर्व पार्षद किरण वैद, संजय बोथरा, पुंडलिक बकानी इत्यादि प्रमुखता से मौजूद थे। बीसीएन न्यूज के लिए हिंगन घाट से रवि येनोरकर की रिपोर्ट।